Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. Hello everyone, this is Abhishek. आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स और ऐसे टेक्निक जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमेशा आप डिमांड भी करते हैं। तो सबसे पहले तो पोर्ट्रेट की बात करते हैं। पोर्ट्रेट सब लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, हर एक मीडियम में ड्रॉ करना चाहते हैं, वो ग्रेफाइट पेंसिल हो, चारकोल पेंसिल हो, कलर पेंसिल हो या फिर वाटर कलर हो। तो आज मैं वाटर कलर के बारे में बात करने वाला हूँ, पोर्ट्रेट के बारे में। तो पोर्ट्रेट जब हम कोई स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट अगर पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं ये बता रहा हूँ डायरेक्ट लोग पोर्ट्रेट ही स्टार्ट करते हैं वाटर कलर से, तो इसमें क्या परेशानियाँ होती है। परेशानियाँ सबसे पहले तो ये कि आप जो भी फीचर्स बनाना चाहते हैं, एनाटॉमी बनाना चाहते हैं, चलो आपने ग्रेफाइट पेंसिल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, फिर भी आपको फीचर्स में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आप कितना अच्छा आप शेड कर रहे हो, कितना अच्छा आप जब उसमें जो डेप्थ है वो आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जो ब्रश का जो ग्रिप है वो अच्छा है या नहीं है, इन सब बातों पे हम गौर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के पहले, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल एंटिटीज़ होते हैं जैसे आइज, नोज, लिप्स, ईयर्स, हेयर, ये सब बहुत ज़्यादा, और स्किन टेक्सचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप ग्रेफाइट पेंसिल में कहिए, चारकोल में कहिए, कलर पेंसिल में कहिए, ऑयल पेस्टल में कहिए, सॉफ्ट पेस्टल, या फिर आपका वाटर कलर हो, तो सब में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंडिविजुअल एंटिटी को बनाना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आई से स्टार्ट करने वाला हूँ आज आपको, जिसमें आपको आई को कैसे हम बना सकते हैं ड्रॉ करने से अलावा, क्योंकि ड्रॉ तो ऑलरेडी आप लोग को आता है अगर आप वाटर कलर पे आ गए हो, यानी कि आपने कई सारे स्टेजेस और मोड्स को क्लियर करके आए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो ग्रेफाइट पेंसिल से ही स्टार्ट करें, फिर कलर पेंसिल, ऑयल पेस्टल, चारकोल पेंसिल, फिर उसके बाद आपको करना है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट आने के पहले भी आपको कई सारे जो हर्डल्स हैं ना वो क्रॉस करने पड़ते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो गया, स्टिल लाइफ हो गया, स्टिल लाइफ में आपको टेक्सचर वगैरह, लाइटिंग डायरेक्शन पता चलता है, जैसे लाइट डायरेक्शन अभी यहाँ से आ रही है, शेडो इधर आ रही है, तो ये सब बेसिक नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। तो ये इसके बाद आप जब सीनरीज वगैरह करते हो तो उसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है, उसके बाद हम लोग आते हैं पोर्ट्रेट में। तो पोर्ट्रेट में आने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है, स्पेशली आपको जो होता है वो है फ्लावर, फ्लावर शेडिंग जो होता है ना, और फ्लावर की जो ड्राइंग है उसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और पोर्ट्रेट में भी होते हैं, जैसे आईलैशेस हो गए, आईब्रोज हो गए, हेयर हो गए, हर एक फीचर जो है उसमें कर्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अगर नहीं किया है तो पुराने वीडियोस देखिएगा, अगर आपने कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि आईज़ के बारे में बात करने वाले बनाने भी वाले हैं, सिर्फ बातें नहीं होगी बनाएंगे भी। तो आज मैं आपको स्टार्ट करूँगा और स्केचिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कुछ आपको बताऊँगा कि बेस जो स्केचिंग है, तो चलते हैं अभी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अभी मैंने स्टार्ट किया है स्केचिंग। स्केचिंग मीन्स की बेसिक आउटलाइन जो है वो आपको करना है, जैसे कि कोई भी आप पेंसिल ले सकते हो, मैंने तो अभी मैकेनिकल पेंसिल से अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बहुत ही बेसिक आई ड्राइंग है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको रेफरेंस ही लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको रेफरेंस लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक इमेजिनरी कह सकते हो आई, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि आई ड्रॉ करने में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक जो बेसिक जो आई का स्ट्रक्चर है वो हमें कंप्लीट कर लेना है। जितने मैंने आउटलाइन किए ना उस पे मैं अभी शेप बना रहा हूँ डार्क, जैसे कि यहाँ पे जो डार्क ब्राउन है, डार्क ब्राउन को पहले यूज़ किया मैंने। अब ये जो है की फीचर्स है जो मैंने अभी आउटलाइन बनाया ना, इसमें आपको डेप्थ है, डेप्थ मतलब कि अंदर गहराई है वो, और जो सबसे डार्क एरियाज है ना वो मैंने यहाँ पे किए। अब मैं क्या करूँगा उसको क्लीन करके, अभी मैं उसको क्लीन कर दूंगा मैं ब्रश को, ब्रश में थोड़ा सा वाटर चाहिए मुझे, वाटर के बाद मैं इसको स्प्रेड करने वाला हूँ। तो अभी मैंने डबल लेयर जो है उस पर मैंने आई जो है ना उस पर यूज़ किया है, और उस पर जो रिंकल्स है ना उस पर यूज़ किया, सॉलिड कलर से मैंने यहाँ पे कलर कर लिया। अब इसमें क्या करना है मुझे, मैंने आपको जो बताया ना कि पानी से उसको क्लीन करके, वीडियो में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने किया है अभी, इसको मैंने अभी कलर को कैरी किया मैंने ऊपर से भी और नीचे से भी, अभी ऑटोमेटिक ये फील हो गया, आपको देखने में डार्क लगता है, जैसे हम कलर जब वेट होता है पानी होता है तो वहाँ पे अभी आपको डार्क लगता है, लेकिन जैसे ही सूखता है ना तो लाइट हो जाता है, ऑलमोस्ट 25% जो कलर है ना वो लाइट हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया है, और इसको आप स्प्रेड कीजिएगा। फिर से आपको क्या करना,
इसको क्लीन करना है ब्रश को, और पानी जो उसमें वाटर होता है उसकी हेल्प से आपको कैरी करना है, और हर जगह अब आप कर सकते हो। स्प्रेड कर दिया आपने तो ऑलमोस्ट जितने हैं एरिए वहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है कलर। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल पहला जो लेयर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फिर से एक डार्क, जैसे कि ब्राउन है, डार्क ब्राउन लेंगे, आप एक लेयर और रखेंगे। लेयर में करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिससे कि आपको एक स्किन टोन भी देना है, क्योंकि हमें सिर्फ आई नहीं बनाना है, और ये जो कलर मैंने लिया ना वो कलर आपको कैरी करना है पूरे स्किन पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया एक जो सेकंड लेयर जो है ना वो भी हम लोगों ने करेक्ट कर लिया। अब आ गया थर्ड लेयर। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क मिक्स किया। डार्क किस लिए मिक्स किया? शेडोज़ के लिए। अभी जो आएगा ना वो शेडोज़ के लिए है, जो डार्क ब्लैक यूज़ कर सकते हो, और ब्लैक में ना थोड़ा सा ब्लू यूज़ कर सकते हो, हल्का सा ब्लू, इसलिए कि इन्वायरमेंट में ना डार्क एकदम ब्लैक हम लोग कभी यूज़ नहीं करते, उसमें आपको थोड़ा सा ब्लू यूज़ करना पड़ता है। शेडो का जो कलर होता है ना, नाइट में भी देखोगे या फिर आप डे टाइम में भी देखोगे ना, थोड़ा हल्का ब्लूइश टोन दिखता है, तो वो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ना जो फिल लाइट है ना, जो आई का जो वाइट पोर्शन है वो भी थोड़ा ना आपको एकदम सा वाइट नहीं रहता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं जाती लाइट की, तो क्योंकि क्या है ना सर्कुलर फॉर्म में है ना, तो आईलाइशेस को हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं उसका जो शेडो है वो कैसे आईज़ पे बनाएंगे। तो डार्कनेस जो शेडो है, अभी हम रिंकल जो है आता है यहाँ पे, जो फोल्ड आता है वहाँ पे भी हम करने वाले हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आप देखोगे कि थोड़ा डार्कनेस जो है ना यहाँ पे आई जो स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला है, तो वो एक और उसके ऊपर का जो थिकनेस है, जो आई है जहाँ पे आईब्रोज बनते हैं ना, वहाँ पे आपको थिकनेस देनी, वहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया, थोड़ा उसको स्प्रेड भी करने वाले हैं यहाँ पे, वो आपको बनाना है। तो ये आपको अभी दिख रहा होगा कि एक डार्क पैच है, तो ये डार्क पैच नहीं है, ये आई का शेडो है, जो आईब्रोज का आईलाइशेस का जो शेडो है ना वो मैंने यहाँ पे दिया है। और ये जो है ना, ये अभी जैसे ही ड्राई होगा ना तो और ज़्यादा सूखने के बाद लाइट हो जाता है, तो जैसे मैंने एक्स्ट्रा कलर्स है वहाँ पे पिक करके निकाल दिया है। और ये जो यही एक बेनिफिट सबसे ज़्यादा है इस ब्रश में, मॉप ब्रश में, कि ये एक तो वाटर भी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा लेके रखता है, तो अब बहुत बड़े सरफेस में भी अच्छा बिना वाटर के भी आप कर सकते हो, क्योंकि वाटर को वो एब्जॉर्व करके रखता है, और कलर को भी वो पिक कर लेता है। जैसे अगर आपने ड्राई कर दिया ना, तो बड़े से बड़े जो वाटर भी अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो उसको आप पिक कर सकते हो। तो एक आउटलाइन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, और ये जो डार्कनेस है अभी अपने आप में एक सूखने के बाद और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद लाइट हो जाएगा। तो वो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि आप जब सिर्फ आई ही नहीं, नोज़ बनाओगे, ईयर्स बनाओगे या कुछ भी बनाओगे ना, तो ये जो टेक्निक है ना आपको सब में यूज़ होने वाला है। तो ये टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि कॉपी वर्क पे। जितना मैंने कलर उठा लिया आपने उतना उठा लिया, जितना ये भी मेरा एक प्रैक्टिस है, अगर मैं चाहूँ तो दोबारा एक इस जैसा बनाने के लिए तो शायद नहीं बना पाऊँगा। आप भी वैसा ही कीजिए। और यहाँ पे देख रहे हो कि अभी जो आईब्रोज़ के शेडो है, ये जहाँ का जो शेडो है ना, ये जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये उसका भी अभी शेडो हम लोगों ने बनाया। अब ये जो पैच दिख रहा है इसको आपको ब्लेंड करना है। अभी क्या करना है आपको, वाटर पिक करना है, कलर निकाल देना है ब्रश से, और उसको आपको स्प्रेड कर देना है, बस। ये ब्लेंडिंग हो गई, तो ये हल्का जो है स्प्रेड हम लोगों ने कर दिया, ब्लेंड भी कर दिया, हो गया। और जो कुछ रह भी जाता है ना, तो फाइनल जब टच करेंगे ना, तो उसमें पानी की ये वाटर का जो थोड़ा सा क्वांटिटी लेंगे और उसमें स्प्रेड कर देंगे, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो इसमें मैंने क्या किया ना कि ब्लैक यूज़ किया है, उसमें ब्लू भी यूज़ किया है, और उसको यूज़ करके जहाँ जिस एरिया तक करना है वहाँ तक ही, और बाकी हमें स्प्रेड कर देना है बस। तो एक जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट हमें मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको आईब्रोज़ का बताया था ना कि स्किन का भी हमें टेक्सचर करना है, वो जो हेयर्स के ऊपर, तो ये ब्राउन ले लिया मैंने, ब्राउन को अभी कर दूंगा स्प्रेड। एजेस भी नहीं दिखनी चाहिए उसमें। ये एक तरह से समझ लो कि एक तो स्किन का भी टोन है, और दूसरा जो है वो है शेडो। जब हेयर होता है ना, हेयर के भी शेडोज आते हैं ना। अब ड्राई करके अब ब्रश से आप उसको ब्राउन से, मैंने लिया डार्क ब्राउन से, अभी मैं हेयर बना रहा हूँ। तो ये एक समझ लो कि एक शेडो की तरह है, और एक जो थिक हेयर जो होते हैं बंच में होते हैं, वो मैंने यहाँ पर बना लिया। अब ये जो है गाइड का काम करेगा अभी आने वाले डिटेल्स के लिए। अभी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला 0.2 या 0.1 जो नॉर्मल ब्रश होता है ना राउंड, वो आप ले सकते हो, और उसको आप ब्लैक ब्राउन की हेल्प से आप उसको हेयर दे सकते हो, जो आईब्रोज़ के जो हेयर है ना, आईलैशेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम एक एक ब्रश से अब इसको ब्लैक जो कलर है ना, ब्लैक
जिसमें थोड़ा ब्लू भी मिक्स होता है, वो हम लेके आप एक एक स्ट्रोक कर सकते हो, कहीं कहीं वहाँ पे पैचेज आ जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रश को ड्राई कर लीजिए, ड्राई करके ना उसको आप एक एक स्ट्रोक जो है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों दीजिएगा ना, तो आपको नीचे का भी स्ट्रोक और ऊपर का भी स्ट्रोक वो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्लैक जो आई बॉल है उसके अंदर भी एक ब्लैक होता है, तो वहाँ पे हम ब्लैक करने वाले हैं, तो ये कंप्लीट ब्लैक होगा और इसमें ना वाइट पोर्शन को जो हाईलाइट एरिया है उसको हम छोड़ के करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे ना, किनारे की तरफ थिकनेस देंगे, जो आई बॉल में है ना गोल, उसको अब किनारे की तरफ से भी देना है, जैसे कि ऊपर की तरफ से आईलैशेस से जो शेडो आ रहा है शेडो भी बनाना है उस पर। ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव होता है तो इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन का भी हम थोड़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है डार्क जो एरियाज़ है ना, डार्क एरियाज़ को कवर कर लेना है। कवर करने के बाद अब आपको जो यहाँ पे जो कहते हैं ना कि गहराई, और यहाँ पे ना एजेस को आप शार्प रखना है, जो यहाँ पे एजेस हैं वो भी शार्प रखना है, और इसके साथ साथ जो ब्लैक पोर्शन है वो भी शार्प रखना है, और इसके बीच में थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद आप वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हो, या फिर और ज़्यादा अगर आपको डेप्थ देना है ना, तो अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल आती है वाइट कलर की, वो आप स्प्रेड करोगे ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और वही जो जेल पेन है या फिर वाइट जेल पेन है या फिर आपका जो जो अभी जो मैंने आपको बताया अप्सरा की जो ग्लास मार्किंग पेंसिल है वो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। और इसके अलावा आईलैशेस जो अभी मैं बना रहा हूँ उसमें भी आप किनारे की तरफ से लाइट का इफेक्ट दे सकते हो वाइट जेल पेन से, उसमें भी 0.08 या फिर 0.10 आता है, वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हल्के पतले ब्रश से मैंने उसको यहाँ पे आईलैशेस जो हैं वो मैं बना रहा हूँ, और ये जो थिकनेस है थिकनेस के नीचे हुआ, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है आप उसको कर सकते हो, और जैसा आपके पास रेफरेंस होगा उस रेफरेंस के हिसाब से आप इसको बना सकते हो। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने शेड जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और इनफेक्ट हल्के हल्के जो शेडो है वो भी आप दे सकते हो। स्पेक्युलर पार्ट जो हाईलाइट एरियाज हॉट स्पॉट है वहाँ पे भी हम लोगों ने हेयर के जो जो शेडो है रिफ्लेक्शन है वो भी हम लोगों ने डाल दिया। तो ये आई जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया होगा, बहुत सारे डाउट्स जो है वो आप लोग के क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग आपको जो वाटर कलर कैसे यूज़ करें, कैसे पिक करना है, कैसे ड्रॉ करना है, फ्लो कैसा होना चाहिए, और यही जो टेक्निक है आपको हर जगह यूज़ करना है, नोज़ पे करना है, ईयर्स पे करना है, और आपको लिप्स पे भी करना है, हेयर में भी आपको वैसे ही जाएगा, कर्व्स जो है वो मेंटेन रखना है। तो ये सब जो है आपको करना है, और कहीं पे भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम सभी ना ड्राइंग अच्छा करना चाहते हैं लेकिन सही टेक्निक नहीं पता होने के कारण ना हमारी स्केचिंग उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं लगती, उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक्स जो है ना वो क्लियर नहीं रहते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे बेसिक कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसको आप करके आप ऑलमोस्ट 299 में आप कर सकते हो बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आएगा, तो आप ये कोर्सेज ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पे जो वेबसाइट का जो लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कितने तरीके के कोर्सेज हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आइए और सीखिए।